morning students, I am your EVS teacher. So now we can start our EVS book chapter 2. Chapter 2, part of my body. Parts of my body, मेरे शरीर के अंग, ठीक है. इट मीन्स इसमें जो ये बॉय दे रखा है, इसके शरीरों के अंगों के नाम बताने हैं. और अंग कौन से होते हैं? जो हमारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको अंग कहते हैं. हाय फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई नेम ऑफ माय बॉडी पार्ट्स. इसने बोला है, हेलो फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई नेम्स ऑफ माय बॉडी पार्ट. जो ये बॉय है ये बोल रहा है कि मेरे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो, उनके नाम बताओ, ठीक है. ये जो आपको एरो दे रखे हैं, फिर आपको इसमें नाम बताने. अब जो ये फर्स्ट एरो है, ये जो फर्स्ट एरो है ये आपका हेयर पे जाता है. तो आपका जो ये क्या आएगा, हेयर. हेयर मीन्स होते हैं आपके बाल. सेकंड आपके ईयर साइड जाता है. ईयर को क्या बोलते हैं आप? कान. तो ईयर ऐसे लिखेंगे, ठीक है. तो ये क्या है? ईयर है. ईयर मीन्स कान. ये आपकी आई. आई मीन्स आँख. देन नोज. नोज मीन्स नाक. ये एल्बो. एल्बो मीन्स कॉनी. नी, जैसे कि ये एल्बो यहाँ की होती है ना, नी यहाँ का घुटना होता है, बट इसमें आपका एरो नहीं दिया. ये आपकी फिंगर्स होती हैं जो आपको लिखने में हेल्प करती हैं, खाने में हेल्प करती हैं, फिंगर्स हैं. फिर आता है आपका लेग. लेग मीन्स पैर. अब ये जितने भी आपको बॉडी पार्ट्स नेम दे रखे हैं ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं, लर्न भी करना है और बुक में भी फिल करना है. नो मोर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. आपकी आवर बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स. जो आपके बॉडी के पार्ट्स हैं ये आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वर्क करने में हेल्प करता है. लिखा है ना इसमें टू डू डिफरेंट थिंग, मतलब अलग अलग कार्य को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करते हैं. आज की आपकी क्लास में यही था पार्ट्स ऑफ बॉडी में. बस आपको इसके पार्ट्स ऑफ बॉडी बुक में भी फिल करना है एंड कॉपी में भी लिखना है. पिक्चर भी ड्रॉ कर लेना या फिर पेस्ट कर लेना किसी बॉय या गर्ल की, और देन उसमें ऐसे एरो लगा के आपको ऐसे नाम लिखना है और समझना है. तो आपका प्रीवियस चैप्टर, जो पहला वाला चैप्टर मैंने इससे करवाया था, उसकी एक एक्टिविटी रहती थी, ये वाली एक्टिविटी टाइम पेज नंबर 7. आपको ये एक्टिविटी करनी है अपनी बुक में. आर यू अ बॉय और अ गर्ल. आप लड़का हो या लड़की हो? तो अगर आप बॉय हो तो बॉय फिल करोगे, गर्ल हो तो गर्ल फिल करोगे, ठीक है. कलर यहाँ पे भी फिल कर लेना. कलर द करेक्ट गिवन पिक्चर. जो ये पिक्चर्स दे रखी है ना, इसमें कलर करना. अगर आप बॉय हो तो बॉय में कलर कर लेना, अगर गर्ल हो तो गर्ल में कलर कर लेना. फर्स्ट आपका नेम आएगा, नेम. देन क्लास, फर्स्ट क्लास. सेक्शन कौन सा है, ए या बी, वो लिखना है आपको. स्कूल नेम, सरस्वती शिक्षा निकेतन स्कूल फिल करना है. फ़ोन नंबर लिखना है आपको यहाँ पे. फिर एड्रेस लिखना है. ये आप नहीं करना, बस रूट नहीं है आपका. तो ये आपका ना आइडेंटिटी कार्ड फिल हो जाएगा, ठीक है. और आपको बता दूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज में से आपको कॉपी में क्या क्या करना है. सबकी कॉपी में ये वर्क होना चाहिए. फर्स्ट है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, ये कॉपी में काम करना है आपको. आपको सी पार्ट कॉपी में भी करना है और डी पार्ट कॉपी में करना है. ये तीनों आपके फेयर कॉपी में होनी चाहिए ईवीएस की. पर बच्चे को ये वर्क करना है. और बुक आपकी पूरी फिल होनी चाहिए. बुक में आपको 6 और 7 पेज नंबर दोनों फिल करके रखना है. आपकी यहीं यहीं ख़त्म होता है आपकी क्लास.